तमाशा तमाशा इश्क तमाशा। शुक्र है बलात अली, मैं तो शुक्राने के नवाफिल अदा करूंगी, वो भी पूरे 100। वो आपकी बेटी की खुशी है अम्मी। तो तुम्हें समझना चाहिए, रिश्ता तय हो गया उसका, बेहतर है उसे भूल जाओ। इतना आसान नहीं अम्मी उसे भूलना। हाँ वो भी तो तुम्हें भूल गई है, तुम्हें भूलकर अपनी माँ की पसंद से शादी कर रही, बस तुम्हारे ही सर पर भूत सवार है माँ की नाफरमानी करने का। खाला ने उसे मजबूर किया अम्मी, लेकिन आप मुझे मजबूर नहीं कर सकती। तो क्या करोगे तुम, अपनी माँ का बुढ़ापा ख्वार करोगे? अम्मी आप खाला को मना लीजिए, मैं जिंदगी भर आपकी फरमाबरदारी करूंगा। हरगिज नहीं, अकेला के घर कदम भी नहीं रखूंगी मैं। तो फिर ठीक है, आप अपनी आना को सीने से लगा के रखें, मेरे दिल में जो आएगा मैं वही करूंगा। आप खाला अम्मा से बात करती कि बचा ले अकेला और उसकी बेटियों से मेरे बेटे को। और अब दामाद के सामने इज्जत दो कौड़ी की करके रख दी तुमने, और जाओ और जान छोड़ दो हमारी। हेलो, कौन? कुलसुम? हाँ बोलो। हाँ क्या हुआ? कुलसुम अब बस भी करो, क्या हो गया है तुम्हें? तो बच्चे ने अगर कहा है तो कुछ गलत तो नहीं है ना? है, अगर तुम्हें ये रिश्ता नहीं करना है तो मत करो, दिल दुखाने वाली बातें तो मत करो ना। ठीक है, पलवशा भी तो तुम्हारी बेटियों ही जैसी है ना, मैं अकेला से बात करके देखती हूँ। देखो तुम खबरदार जो तुमने कोई बात अकेला से की तो। ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा, बस ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। बच्चे ने एक फरमाइश की है, एक ख्वाहिश का इजहार किया है, तुम पीछे ही पड़ गई। ठीक है ठीक है, मैं बात कर लूंगी अकेला से। अच्छा खुदा हाफिज। ना रो मेरी बच्ची, ना रो ना रो। मैं जानती हूँ तूने रुशना के शोहर को कुछ नहीं कहा है, लेकिन खाला माँ इस बात का यकीन मैं कैसे दिलाऊं? तुम तो जानती हो इन दोनों बहनों को, इनके दिमाग में अगर कोई बात घुस जाए ना तो बड़ी मुश्किल से निकलती है, और फिर अपना कसूर भी तो नहीं मानती। तो ऐसे मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूंगी? बेटा सबर करो, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। वही तो कर रही हूँ मैं खाला अम्मा, लेकिन बदगुमानी की भी हद होती है। चची जान हर दूसरे दिन मुझे कटहरे में खड़ा कर देती है, अब न जाने वो वहां से क्या कहेंगी। वो वहाज को कुछ नहीं कहेगी, मैं सब कुछ वहाज को बता दूंगी, तुम फिक्र मत करो। क्यों खाला अम्मा, आप जानती हैं ना इस घर में सबसे बड़ा आसरा आप ही हैं। मेरा आसरा मेरे रब का है, बस उसी का आसरा बना रहे। तुम्हें पता है मैं हर वक्त इस घर की भलाई के लिए दुआएं मांगती रहती हूँ। वो कुसुम का फोन आया था। वो क्या कह रही थी?
बस तुम्हें तो पता ही है कुलसुम का, और अकीला भी गम नहीं है, दोनों बहनें अजीब अजीब किस्म की बातें करती हैं। कह क्या रही थी? क्या जरूरत है आपको ये सब कुछ करने की? आप होते कौन है मेरे? ये मेरे मेरे घर का मामला है। चन्ना किरते गुजारी आई रात वे, चन्ना किरते गुजारी आई रात वे, मेटा जी दलीला देवात वे, चन्ना के था गुजारी आई रात रे वेड़ा जी दलीला देवात वे, चन्ना के था गुजारी आई। अब सिर्फ कृष्णा के शौहर हैं और इस घर के दामाद, बेहतर होगा कि मुझसे दूर रहें। मन विच मेरे तू वसदा, अखियां नू तू जचदा, मैं तेरी हो गई मेहरमान। मैं आपकी जिम्मेदारी थी, अब नहीं हूं। कल आ रात जाग के असा गिड़िया तेरी, प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, मैं और रुस्वा नहीं होना चाहती। गिड़िया तेरिया दूरिया, चन्ना के था गुजारी आई रात वे, रात वे। आइंदा आप मेरे लिए इस घर में मत आइएगा। मन विच मेरे तू वसदा, अखियां नू तू जचदा, मैं तेरी हो गई मेहरमान। मैंने तुमसे कहा था ना मत करो हमदर्दी इस लड़की के साथ, नहीं है ये इस काबिल, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। क्या हुआ अम्मी, आप इतना ओवररिएक्ट क्यों कर रही हैं? अच्छा तो अभी कुछ होना बाकी है, जाकर पूछो अपनी चहेती से कौन से जुल्म ढाए जा रहे हैं उस पर इस घर में, जो हमारे दामाद को हमारी शिकायतें लगाना शुरू कर दी उसने। अरे मीरा ने कहा तो है ना कि उसने कोई बात नहीं की है, फिर वो खुद अपनी मर्जी से आया है, तुम वो बात मान क्यों नहीं लेती हो? अरे जिसका एक एक मिनट कीमती हो वो क्यों आएगा बिला वजह, इसने बुलाया उसे यहाँ हम पर प्रेशर डालने के लिए, अपनी मर्जी से तो जी रही है, फिर पता नहीं इसका दिल खुश क्यों नहीं होता भाई। उस्वा पानी लेकर आओ। तो आप मुझसे क्या चाहती हैं बताएं? इस मसले का हल, क्योंकि मैं रोज रोज ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा इस मसले का हल यही है कि आप मेरी और मीरा की शादी करा दें, इससे ना आपको कोई एतराज होगा ना उसको। देखो आज मैं मजाक के मूड में नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको अपना फैसला सुना रहा हूं, और वैसे भी अब वक्त आ गया है कि मेरी और मीरा की शादी करा दी जाए, और आई एम श्योर अब तो आपको इससे कोई एतराज नहीं होगा, है ना? लेकिन बहार प्लीज अम्मी, बाकी बातें रात में करेंगे। कितना मजा आएगा ना जब मेरी भाभी मेरी भाभी बनेंगी, वो तो हमेशा से मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। चुप रहो उस्वा, ये लेकर जाओ गिलास और पानी। और खाला मां आप क्यों खी कर रही हैं? बच्चों के साथ बच्ची बन जाती हैं आप भी। अरे कभी तो खुश हो जाया कर, अरे बच्चों की खुशी है बच्चों की खुशी में खुश हो, बस हर वक्त गुस्सा गुस्सा गुस्सा, सुबह गुस्सा शाम गुस्सा। हम्म,
आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। क्या है सब? अब कब तक हम अलग अलग रूम्स में रहेंगे? देखें, हमारी शादी हुई इसलिए अब हमें अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। तुम्हें किसने कहा? मुझे एक नई जिंदगी शुरू करने की ख्वाहिश है। अगर मुझे तो है। देखे ना, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, तो फिर मैं आपसे दूर क्यों रहूं? जब तक आप मुझे जवाब नहीं देते मैं आपको जाने नहीं दूंगी। तुम्हें कोई जवाब देने का पाबंद नहीं हूं मैं। तो फिर मुझे इस कैद खाने में लाने का मकसद क्या है? क्यों किया आपने मुझसे शादी? देखे मेहरा, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। जब तक आप मुझे जवाब नहीं देते मैं आपको जाने नहीं दूंगी। क्यों बनाया आपने मुझे बीवी अपनी? क्या लगता है तुम्हें, तुम्हें क्यों लेके आऊं मैं खूबसूरत हूं और बहुत खूबसूरत हूं। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जरा सा भी नहीं। आईने में शक्ल देखी तुमने अपनी? धोखा देने वाले इस बदसूरत चेहरे पर कितनी कालक मली हुई है। Enjoy Rs. 500 off on your first order from Hum Mart app. Download the app and order now. Hum Mart, kare life aasan. क्या सोच रही है मिर्हापी? यही ना कि वहाज भाई ने आपसे शादी का ऐलान करके गलत किया। हाँ, पर बेशक उन्होंने गलत मौके पर, उन्होंने बिल्कुल सही मौके पर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। आपको अम्मी से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अपनी मर्जी से शादी करना आपका हक है। तुम्हारे लहजे से मुझे बगावत की भूख क्यों आ रही है? रुष्टा जैसी हरकतें मत करना। आप बेफिक्र हैं, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करने वाली। लेकिन आप यूं अपनी लाइफ स्पॉइल नहीं कर सकती। मैं पहले एक यतीम और बेसहारा लड़की थी, लेकिन अब घर से निकली हुई लड़की भी हूं, जिसे एहसान करके वापस लाया गया है। जिन लोगों ने आपको इस घर से निकाला था ना, वो आपकी सच्चाई जानकर आपको इस घर में वापस लेकर आए, इसलिए अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बलवशा, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे चाची जान हर्ट हो। तो फिर ठीक है, पहली फुर्सत में जहर खा के मर जाए, क्योंकि जीते जी तो अम्मी आपसे खुश होने से रही, क्या पता मरने के बाद हो जाए। तो मैं ठीक समझी थी, मेरा मेहराब को कभी मेरा नहीं होने देगी। मुझे जल्द अज जल्द कुछ करना होगा इससे पहले कि मेरा घर बर्बाद हो जाए। तो अब मैं क्या करूं? मैं तो सुबह शाम तुम्हारी परेशानियां भुगत रही हूं जो मेरे गले पड़ी हैं। और सुनो, अपने शौहर को काबू में रखो,
क्योंकि अब वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। अम्मी मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मिरहा ने मेहराब को क्या घोल के पिला दिया है। अरे मैं पहले से जानती थी उसकी चलतरबाजियां, तुम्हें ही फिदा थी। अब देख लिया कैसे काबू में कर रखा है तुम्हारे शौहर को। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। मेरा चाहती क्या हो तुम? अब क्या किया मैंने? मेरे दामाद और बेटे को मुट्ठी में करके अकीला बेगम को नीचे गिरा सकती हो तुम? चाची जान मैं किसी खुशफहमी में मत रहना। अकीला बेगम पर अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया कि वो किसी की मोहताज हो। अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त आए, और मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? तो पहली फुर्सत में वहाज को इनकार कर दो। मैंने नहीं कहा वहाज से शादी की बात करने के लिए। मिरहा मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ कि वहाज को इनकार कर दो, वरना। चाची जान क्या हो गया आपको? क्यों इतनी नफरत करती हैं आप मुझसे? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? मेरी बेटी का घर बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो, मेरे बेटे को मुझसे छीन रही हो, फिर भी पूछती हो कि मैं तुमसे इतनी नफरत क्यों करती हूँ? गलत इल्जाम लगा रही हैं आप मुझ पर। तुम मुझे छुटला रही हो, बेगैरत। क्या कर रही है, क्या कर रही है? अरे अब वहाज, वहाज तुम नहीं जानते इसे। अरे बस कर दे अम्मी, एक तो आपकी दुश्मनी खत्म नहीं होती इसके साथ। अरे बेटा तुम्हें नहीं पता कि ये लड़की कैसी कैसी साजिशें कर रही है हमारे खिलाफ। अम्मी मैं इसे समझा दूंगा, ये आइंदा ऐसा नहीं करेगी। लेकिन वहाज मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वैसे इसने क्या किया ये बताया मुझे, क्या किया इसने? अरे उस बड़े घर में क्या रहकर आई है, अपनी औकात भूल गई है लड़की। चाची जान क्या कह रही हैं आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं साफ कह रही हूँ बाहर, देखो कोई ऐसे ही तो किसी को अपने घर में नहीं रख सकता ना। कुछ तो होगा ना इन दोनों के दरमियान कि ना वो इसका पीछा छोड़ा ना ये छोड़ रही है उसका पीछा। क्या बोल रही हैं आप? मेरा ऐसी? अरे तुम्हें क्यों यकीन आएगा, लेकिन मैंने दुनिया देखी है, मैं चाल देखकर चलन बता सकती हूँ। अरे मैं तुम्हें कह रही हूँ कि ये वो मिरहा नहीं है जो यहाँ रहती थी, ये तो कोई और ही मिरहा है। खाला अम्मा जल्दी चलें, मिरहा भी और अम्मी की लड़ाई हो रही है। या अल्लाह खैर, ये इस घर में क्या हो रहा है? जल्दी चलें। अकीला अब तुमने मेरा मुंह खुलवा ही दिया ना, तो सुन लिया ना, यही वजह थी कि मैं इससे तुम्हारी शादी नहीं करवाना चाहती थी। हाँ इतना घटिया इल्जाम लगाने से अच्छा था कि आप मुझे जहर दे देती। तो खा लो ना, या मैं लेकर आऊं? अकीला वहाज ये सब क्या हो रहा है, हैं? किस बात पे तुम लोग लड़ रहे हो, मुझे भी तो बताओ। ये सारी फसाद की जड़। अकीला तुझे हर वक्त मिरहा याद रहती है, हर वक्त मिरहा 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 करती रहती है। बलवशा मिरहा को अंदर कमरे में ले जा। अरे इसे क्यों भेज दिया खाला अम्मा, इस लड़की ने तो कसम खा ली है कि मेरा सुकून तो गारत करके रहेगी, कभी ये घर से भाग जाती है और अरे बस कर दे अम्मी, बस कर दे ये बातें, मैं तंग आ गया हूं सुन सुन के। कितनी दफा बोलेंगे एक ही बात? अम्मी इसीलिए आप पर गुस्सा करती हैं, आप उन्हें पलट कर जवाब जो नहीं देती। क्या होगा जवाब देने से? जो इल्जाम मुझ पर लग चुका है उसकी सजा तो संसारी है। वहाज भाई ने आपकी फेवर नहीं की? कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस बात का गिला मैं वहाज से करूं या अपने नसीब से।
क्या करने आए तुम यहाँ पे? मेहराब मर गया, मेहराब और हम के साथ ही। अरे अकीला, तुझे क्या हो गया है? जवान बेटे के सामने ऐसी बातें तुझे नहीं करनी चाहिए थी। उसके सर से इश्क का भूत उतारना बहुत जरूरी था। तो उस पर इल्जाम लगा कर उतारोगी? उतर गया। बस खाला अम्मा, मैंने भी सर पर कफन बांध लिया है, जो होगा देखा जाएगा बस। अरे पागल मत बन, पागल मत बन। अरे वो अकेला घर का कमाने वाला है तेरा, दो दो बोझ है उसके सर के ऊपर। अरे उसे तू परेशान करके खुश रह सकेगी? सारी जिंदगी इसी खौफ में गुजार दी, लेकिन अब मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैंने कह दिया, मैंने जो सोच ली अपने इरादे से एक इंच नहीं पीछे हटूंगी मैं। लेकिन इस मासूम बेचारी बच्ची ने तेरा बिगाड़ा क्या है? अरे खाला अम्मा, क्या चाहती हैं आप? उसे मैं बहू बनाकर अपने घर ले आऊं ताकि कल को मुझे जूते मारकर घर से बाहर निकाल दे वो? अरे नहीं नहीं, मेरा ऐसी नहीं है। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ खाला अम्मा वो कैसी है और कैसी नहीं। अब बस कर दे, मैं पहले ही बहुत तपी हूँ बस। अकेला मेरी बात तो सुन, आपके पास तो बैठना ही फजूल है। मेरा 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 जान को आ गई मेरा मेरे। मैं तुझे कैसे समझाऊं अकेला? बेगम साहबा, नाश्ता लगा दिए। मेहराब साहब चले गए? वो अभी तक अरहम के कमरे में है। मैं बुला के लाती, वो खुद आ जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? हाँ, नौकरानी हो नौकरानी ही रहो, समझी? बता जाएंगे। ये ले मेरे हाथ पे, चाय पी ले जल्दी। अब नहीं चाय पी सकती, बहुत देर हो गई है। अरे ऐसे भी क्या जल्दी की, चाय भी नहीं पी रही। जल्दी है, इंटरव्यू है मेरा, कोई मजाक थोड़ी है। लेट हो गई तो समझो गया हाथ से। तो आपको जॉब करने के लिए कहा किसने है, जब बहाज भाई खुद कहते हैं कि आपको जिस चीज की जरूरत हो आप उनसे कह दिया करें? पलवश, अब तुम मुझे बहाज की जिम्मेदारी समझना छोड़ दो। ये क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ, शायद कल रात वाला वाकया भूल गई हो तुम। अम्मी तो ऐसी बातें कहती रहती हैं, और मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन बहाज भाई के लिए अम्मी मान ही जाएंगी, आप फिक्र ना करें। सच पूछो तो मुझे अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ, दरवाजा बंद कर लेना। चाय? मुश्ताक साहब, आपने मेरा बीबी के लिए हमारी कंपनी में फॉरन कोई ना कोई जॉब एडजस्ट करनी है, पिक ड्रॉप समेत, और मेरे से फॉरन मीटिंग अरेंज करवाएं, बाकी मैं खुद हैंडल कर लूंगा। और हाँ, उन्हें किसी भी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, इसलिए सारे मामले आपने खुद पर्सनली टैकल करने हैं। थैंक यू। अरे वहाज, वहाज मेरे बच्चा, अरे नाश्ता क्यों नहीं किया तूने? नहीं खाला माँ, भूख नहीं लग रही। अरे बेटा, रिज़क से नहीं रूठा करते। कल से तबीयत भी कुछ अजीब हो रही है, कि नहीं आ रहा कि मेरा ये। अरे बेटा, अकेला तुम्हारी माँ है, अब क्या कहूँ, वो जो भी कुछ कह रही है ना वो सही नहीं है, गलत है, गलत है। दिल तो नहीं मान रहा खाला अम्मा, लेकिन उनकी बात को झुठलाया भी नहीं जा सकता।
आखिर मेरा कितने दिन और कितनी रातें बाहर रहकर आई है। हाँ। नसीब की खराबी थी बेटा, और क्या कहा जाए। लगता है नसीब की खराबी सिर्फ मेरे हिस्से में ही आ रही है। होशमंदी से काम ले बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अब तो शायद उसको दिल से कबूल करने को भी तैयार नहीं हूं मैं। अभी जज्बात अकल पर हावी हो रहे हैं। मेरा बहुत ही प्यारी बच्ची है, मासूम और पाकीज़ा। क्या हुआ, फोन क्यों उठा रही? भाई वो मेरी दोस्त का फोन है। फोन तो उठाओ। मेरी उससे नाराजगी चल रही है ना, इसलिए। क्यों, कौन दोस्त है ये? आप नहीं जानते ना उससे। तो तुम बताओगी तो मैं जान जाऊंगा कि कौन दोस्त है, है ना? बाहर बेल बज रही है, मैं देख कर आती हूँ। मेरा कहाँ है? क्या हुआ रुशना, तुम आज इतनी अचानक? सब खैरियत है ना? खैरियत ही तो नहीं है, कहाँ है मेरा? इंटरव्यू देने गई है, अभी थोड़ी देर में आती होगी। मतलब सचमुच में ये कर रही? क्या कर रही है रुशना? अम्मी, अम्मी मेरी खुशियों पे डाका पड़ गया। अम्मी मेरा घर बचा ले। रुशना क्या हुआ मेरे बच्चे? अम्मी मेरा घर बचा ले, मेरी खुशियों पे डाका पड़ गया। अम्मी अच्छा चलो तुम अंदर आओ मेरी बच्ची। क्या कर दिया उसने? गुफरान बेटा, दोपहर के खाने में क्या खाओगे? कुछ नहीं अम्मी, बस थोड़ा सा जहर ला दीजिए, वही खा के मर जाऊंगा। अल्लाह ना करे, क्या उलफल बक रहे हो? तो क्या कहूँ अम्मी, क्या फायदा से जिंदगी का जिसमें दिल का सुकून और खुशी ना मिल सके। बेटा हमने तो अपनी सारी जरूरतें छोड़कर तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, और तुम ये सिला दे रहे हो मुझे। तो कौन सा अनोखा काम किया आपने? सारे माँ बाप ही तो करते हैं। लेकिन अपनी हैसियत से बढ़कर कोई नहीं करता, हजारों मिसालें हैं, मगर तुम क्या समझोगे? तुम्हें तुम्हारी औकात से ज्यादा जो मिल गया है। तो यूं कहे ना कि माँ बाप अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए औलाद की खुशियों को दांव पे लगा देते हैं, ताकि अपने आना के परचम का बुलंद करने के लिए किसी को भी सूली पर चढ़ा सके। तो इसमें गलती क्या है? जब वालदैन औलाद के लिए कुर्बानी देते हैं तो औलाद दे दे तो क्या हर्ज है? तो फिर एक बात आप भी सुन लीजिए अम्मी, मैं अपनी खुशियों को कुर्बान किसी भी सूरत नहीं करूंगा, चाहे आप कुछ भी कहें। किला ने अगर अपनी बेटियों की तरबियत ढंग से की होती ना, तो आज मेरा बेटा यूं मेरे सामने ना बोलता। मुश्ताक साहब, बात सुने। जी सर। मेरा से बात हुई? सर बात तो हुई है, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। लेकिन क्यों? आई डोंट नो सर, लेकिन अब वो आपसे मिलना नहीं चाहती। ठीक है, जाए। अरे पागल हो गई है रुशना। अम्मी वो मेरी खुशियों की दुश्मन बन बैठी है। अम्मी प्लीज मेरा घर बचा ले। अरे तुम्हारा घर बचाने के लिए तो उसे लाकर अपने घर में रख लिया, और क्या कर सकती हूँ मैं? अम्मी मेहराब को उसने अपनी मुट्ठी में कर रखा है, खुदा का वास्ता उसे कहीं पे ठिकाने लगाए, वरना इतना बड़ा घर, शानदार गाड़ियां, सब कुछ छिन जाएगा मुझसे। तो बीबी अपने शौहर को लगाम दो, मुझे क्या कह रही हो? अम्मी आप उसकी कहीं शादी कर देना, ताकि हम सबकी जान बच जाए। अरे कौन कबूल करेगा उसे, हर जगह बात करके तो मैंने देख ली है।
अम्मी प्लीज आप उसकी भाज भाई से शादी कर दें, भाई भी खुशी हो जाएंगे और मेरी जान भी सुकून में आ जाएगी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हारा घर बसाने के लिए अपने सुकून की कुर्बानी दे दूं? अम्मी माएं हमेशा अपनी औलाद की खातिर कुर्बानियां देती आई हैं, अगर मेरा घर बस जाएगा तो आपको खुशी नहीं होगी? हरगिज नहीं भाई, अपना घर खुद बसाओ, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अम्मी अल्लाह का वास्ता ऐसे मत कहें, वो मेहराब को अपने हाथों से कठपुतली की तरह नचा रही है। मेहराब उसे अपने पास रखने के लिए ऑफिस में जॉब तक देने को तैयार हो गए, मेरे घर पे डाका डाल रही है। आज ऑफिस आ पहुंची है, कल को उस घर की मालकिन बन बैठेगी। तो तुम्हें क्या लगता है शादी के बाद तुम्हारा पीछा छोड़ देगी वो? मैं जानती हूँ वहाज भाई उसे कंट्रोल करके रखेंगे। अरे अकेला रुशना ठीक तो कह रही है, तू विवाह के लिए मान जाएगी ना तो बेटा भी तेरा खुश हो जाएगा और तेरी बेटी का घर भी बसा रहेगा। बस खाला माँ आपकी तो वही रट, सारे जमाने की कुर्बानियां देने के लिए मैं ही रह गई। तो ठीक मैं इस घर की छत से कूद के अपनी जान दे दूंगी, किसी को मेरी परवाह नहीं है, तो मुझे भी जीने का कोई हक नहीं है। जाए। अरे रुक रुक, अरे अकेला लड़की को रोक ना। रुशना रुशना करती हूँ कुछ? थैंक यू। क्यों नहीं, तो पागल करके रख दिया मुझे। इतना घटिया इल्जाम लगाने से अच्छा था कि आप मुझे जहर दे देती। तो खा लो ना या मैं लेकर आऊं। आखिर मैं हर बार ये उम्मीद क्यों रखती हूँ कि वह आज मेरे खातिर चची जान से हकीमत करेंगे। मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। चची जान ठीक कहती हैं, वह आज सिर्फ उन्हीं का बेटा है। ऐसे लग रहा है जैसे मैंने आपको गन पॉइंट पे मनाया है। तो क्या करूं, अपनी बर्बादी पर खुशी से धमाले डालूं? अरे मम्मी आप फिक्र नहीं करें, मैं कह रही हूं ना सब ठीक हो जाएगा। मम्मी आप एक दफा इन दोनों की शादी करवा दे, फिर देखेगा मेहराब सिर्फ मुझे ही देखेंगे, और वैसे भी मेरी खूबसूरती के सामने ठहरना कोई आसान काम नहीं है। तुम्हारी यही खुशफहमियां ना, तुम देख लेना रुशना एक दिन तुम्हें ले डूबेगी। मम्मी ऐसे तो ना कहें, मेहराब उसका घर उसकी दौलत हर चीज पे सिर्फ मेरा हक है, इतनी मुश्किल से पाया मैंने ये सब। चलो ठीक है ना, जाओ अब, वहां जाएगा तुम्हें देखेगा तो गुस्सा करेगा। लो वहाज भाई अभी तक ना, और यहाँ देखो मैं लड़ाइया कर रही हूँ। क्या बड़बड़ा रही हो तुम? कुछ नहीं। चलो जाने की तैयारी करो भाई। हाँ हाँ जा रही हूँ। ड्राइवर! तुम्हारी आवाज ड्राइवर तक नहीं जाएगी, जाना पड़ेगा तुम्हें खुद। जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मिल तो ले। बहुत मिल लिया बहन, जाओ अपने घर में खुश रहो, आबाद रहो अपने घर में अपने शौहर के साथ। तो अपनी माँ भी मानी रहे। खुदा हाफिज। जिंदगी मेरी बर्बाद करके रख दी, सेहत मेरी नहीं रही इस लड़की की वजह से, कुड़ कुड़ के बर्बाद कर दी इसे। चाची जान मुबारक, तुम्हारे और वहाज भाई के लिए मना लिया मैंने अम्मी को। तमाशा इश्क तमाशा।